जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। आज हम आए डिगरोड और डिगरोड में आज रामा पीर बाबा का विशाल भंडारा आयोजित किया गया है जो पूरी रात चलेगा। और अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम दिखाएंगे मंदिर के अंदर भगत लोग सेवा कर रहे हैं और उसके बाद बाकायदा भंडारे का शुरुआत होगी जो हम आपको दिखाएंगे। आपने हमारी कवरेज देखनी है और उसके बाद अगर आपने हमारा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज लता जी नहीं आ सकी क्योंकि लता जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम आए हैं और आपको दिखाएंगे इस कवरेज। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। आज हम आए डिगरोड में और यहाँ पर रामा पीर का विशाल भंडारा और आज समझे पूरी रात का जागरण है। हमारे साथ मौजूद है राहुल, यहाँ की सेवादारी है मंदिर के, इनके फादर रामदास और ये सब सेवादारी इस मंदिर के, सारी सेवा इनके हाथ में है। तो आज का हवन भी इन्होंने किया, राहुल साहब ने। तो हम इनसे पूछेंगे कि ये विशाल भंडारा कब से चल रहा है और ये मंदिर कितना पुराना है रामा पीर का, थोड़ा सा इनसे पूछेंगे। इनके वालिद साहब भी मौजूद है, रामदास जी। हे तलानी श्री रामदेव पीर की जय, अलग धनी श्री रामदेव पीर की जय। तो धन्यवाद सबसे पहले लता रवि यूट्यूब चैनल को और इनकी टीम को कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर और हमारे एक निवेदन देने पर अपना समय निकाल कर इस मंदिर में, इस भंडारे में शिरकत की और इस भंडारे की कवरेज की। तो सबसे पहले तो हम इनका धन्यवाद देते हैं कि आप इसी तरह से जो है वो धार्मिक काम करते रहें और धर्म की जो है वो सेवा इसी तरह से करते रहें। तो ये आज का जो भंडारा जो है वो बाबा रामदेव पीर जी का विशाल भंडारा धनी मंडल और अहले मोहल्ला की जानिब से आयोजित किया गया है। बाबा रामदेव पीर जो के विष्णु के अवतारी हैं और रुणीचा में इनका धाम है और भादवों के अंदर बाबा रामदेव जी की बड़ी महिमा होती है, भंडारे किए जाते हैं, पूजा होती है। तो इसी भादवे के अवसर पे आज भी ये बाबा रामदेव पीर का मेला और जागरण जो है वो यहाँ इस मोहल्ले में आयोजित किया गया है। इनके पिताश्री भी हैं रामदास, रामदास राम का दास, बहुत सुंदर नाम। और इनसे ही पूछेंगे कि ये आज का जो कार्य हो रहा है और इनके जाहिर सी बात है बेटे हैं छोटे राहुल, तो इनसे पूछेंगे कि इनको कैसा लगता है जब बेटा सेवा कर रहा होता है और पिताश्री को कितना गर्व होता है इसमें। जय श्री राम, जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव, जय और रामा पीर की। आज जैसा कि हमारे यहाँ रवि लता चैनल वाले आए हैं और हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि ये लोग आए हैं और इनके माध्यम से हमारे जितने भी लोग हैं सनातन धर्म के जो लोग हैं इसका बाकायदा प्रचार होगा इनके चैनल के माध्यम से। और हमें बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे धर्म के लोग हमसे जुड़ते हैं और हमारे धर्म को आगे पहुंचाते हैं। रामा पीर बाबा की जो महिमा है जहाँ जहाँ जो लोग इस चैनल को देखने वाले हैं उन तक पहुंचती है, उसके बारे में, बाबा के बारे में पता चलता है उन लोगों को, ठीक है। और बाकी रहा इस भंडारे का, और ये हर साल रामदेव पीर का जो भंडारा है धनी मंडल अहले मोहल्ला की तरफ से होता है और हर साल ये भंडारा धूमधाम से मनाया जाता है और इस रामा पीर बाबा की बड़ी कृपा है। और जहाँ तक मंदिर है, मंदिर एक कदीम ज़माने से है ये मंदिर, ठीक है। इसी ज़माने में ये मंदिर जो है मिट्टी के ईंटों का बना हुआ था और इस मंदिर को काफ़ी कम से कम, मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन जो है 50-55 साल से ज़्यादा ही हो गया है, ठीक है। और 45 साल से तकरीबन धनी मंडल जो है इस सेवा से, इस भंडारे में जुड़ी हुई है। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। एक सुंदर आपने देखी ध्वजा जो बनाई थी बाबा की सात रंगों से, तो ये हमारे साथ बहन है, इन्होंने बनाई है और ये इनकी बेटी है। तो इनसे पूछेंगे ये जो ध्वजा इन्होंने बनाई है
इतने प्रेम भाव से और बहुत ही सुंदर बनाई तो कितना टाइम लगा और कैसा ख्याल आया? बोले लखधनी रामा पीर की जय। आप सभी को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम सिमरन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर रामदेव पीर जी का विशाल भंडारा उत्सव मना रहे हैं, इसमें शामिल हो रहे हैं। लता रवि चैनल के थ्रू आप जो है इस माध्यम से यहाँ का दर्शन कर पा रहे हैं बाबा का, इतना सुंदर। हम बाबा का भंडारा हर साल इसी तरीके से इतनी प्यार भाव से बनाते हैं। ये तैयारी हमने एक महीना पहले ही शुरू कर दी थी, बाबा की ड्रेस के हवाले से, सजावट के हवाले से, बाबा की ध्वजा के हवाले से, हर चीज़ हमने एक महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, नवेद दी। और ये कि बस बाबा ने इतनी हिम्मत दी, मेहनत दी कि हमने बाबा के भंडारे को यहाँ तक लेकर आए हैं। और अभी पूरी रात है, आप सब हमारे साथ रहिएगा, भजन गीता पाठ आरती में शामिल होइएगा और बाबा के दर्शन कीजिएगा। जय बाबा की। तो बस जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है आपने, तो हम आपको दिखाते हैं क्या 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 हो रहा है। तो जुड़े रहें। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ भोलेनाथ रे। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भंडारा रामापीर भगवान का, बहुत ही सुंदर भंडारा का आयोजन किया गया। आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे बिरयानी है, मीठा है, जर्दा है। ये बिरयानी जर्दा दो चीज़ें और रायता है साथ। तो अति सुंदर भंडारा है, दिखाते हैं आपको किस तरीके से चल रहा है यहाँ। तो जय श्री राम। ये तमाम जो हमारी मंडल लगी हुई है, इंगलाज माता की स्कॉट मंडल है जो आज सेवा कर रही है यहाँ, अद्भुत सेवा है। 15 से 20 लड़के सेवा में लगे हुए हैं और ये सुबह तक सेवा करते रहेंगे, जब तक भंडारा चलता रहेगा ये अपनी सेवा से जुड़े रहेंगे। आइए आपको दिखाते हैं आगे क्या हो रहा है। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। विशाल भंडारा रामापीर का रखा गया है और हमारे साथ हमारे बड़े बाप भी मौजूद हैं। तो आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम एक साथ काफ़ी टाइम बाद हम मिले हैं, अपने बड़े बाप के साथ बैठे हैं और संगत में बैठे हैं आज रामापीर के विशाल भंडारे में। तो हम अपने बड़े बाप से पूछेंगे कि आज का ये विशाल भंडारा जो है आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है, इंतजाम है और हम तबीयत सही नहीं थी, फिर भी मैं आया हूँ काफ़ी दिनों से। आज बाबा की मेहरबानी हुई तो मैं उठ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं तो बाबा कृपा करेगा तो आगे भी चलता रहूँगा। तो ये धनी मंडल की तरफ से आज का जो प्रोग्राम है आयोजित किया गया है, थोड़ा सा हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चाहने वाले भी हैं, तो उनसे पूछेंगे थोड़ा सा। आज ये भी बताएं, हमारे रामचरण, हमारे जो है साले जी हैं, आप सबको मुबारक हो रामापीर का ये भादवा का, बहुत 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 मुबारक हो आप सबको। लता रवि चैनल की बड़ी खिदमत है, मैं सबका काउंसलर रामचरण डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जानिब से आप सबको बधाई देता हूँ बाबा जी के उर्स पे। और रवि चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इनकी बड़ी काविशों के। और जब भी कोई मौका मिलता है हम लता रवि चैनल को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं कि आज हमारे बच्चे लायक हैं, कि भगवान की कृपा है कि हम पर इन्होंने के क्या कहें, कहने को कोई शब्द नहीं है, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो जुड़े रहिएगा, देखते रहें। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर।
तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। जैसा कि आपने देखा कि आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, पहले ध्वजा चढ़ी है, उसके बाद हवन यज्ञ हुआ। हवन यज्ञ के बाद अब ये प्रसादी भंडारा चल रहा है। इससे पहले हमारी महिला बहनों ने भंडारा प्रसाद किया, अब हमारे पुरुष जो है हमारे संत महंत और सब लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी भंडारे के बाद फिर प्रसाद के बाद फिर भंडारा, विशाल भंडारा जो चलेगा वो हम आपको दिखाएंगे, तो जुड़े रहिएगा, देखते रहें। तो आज लता जी भी नहीं आई हमारे साथ, क्योंकि लता जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस इसी वजह से नहीं आ सकी। तो आप लोगों को बहुत आनंद आएगा, इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिए। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। Yeah.
नगीन भाई बहुत अच्छे गाते हैं, बहुत सुरीले सिंगर हैं और उनकी
आज टाइम है गाने का। रमेश गोविंद साहब आप इसको स्वीकार करें। गनी मंडल के विनोद चावरिया की तरफ से ये बहुत मामूली आदमी है, उनकी इज्जत मिल जाना बहुत बड़ी बात है। देखिए नया बजट है, मैंने आते आते बनाया, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि एकदम बनाना और एकदम गाना ये बड़ी 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 बात है। आशा आप सभी समझते हैं, हमारे पीछे एयरपोर्ट से आए हुए हैं, जानते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। आज हम आए डिगरोड पर, डिगरोड पे बहुत ही विशाल भंडारा रामा पीर का यहाँ पर चल रहा है और सुबह तक चलेगा, आरती भी होगी। हमारे साथ माला बेटी हमारी संभलने बच्ची है इस इलाके की, तो उससे पूछेंगे आज का जो ये भंडारा चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा ये बोले। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी जय रामदेव पीर की, और जो आज का विशाल भंडारा है हमारे धनी मंडल की जानिब से किया जा रहा है, और ये हर साल इसी तरह मनाया जाता है, और हर साल इसी तरह हर भंडारे के अंदर इसी तरह शोभा बढ़ाई जाती है, और इसी तरह सभी भक्त आकर धनी मंडल को सेवा का मौका देते हैं, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम बाबा के भंडारे के अंदर सेवा का मौका लेते हैं, और जो आते हैं आने वाले उनको वो जो सेवा का मौका देते हैं हमें। धन्यवाद। लता रवि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। आज हमारे साथ रामा पीर का बहुत ही विशाल भंडारा चल रहा है, और इस भंडारे के ये डिग्रोड के ऊपर आयोजित किया गया है, और हमारे साथ ही कुछ बेटियां हमारी मौजूद हैं,
आज के भंडारे के विशाल भंडारे के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहेंगी? जय श्री राम, जय माता दी सबको हमारी तरफ से। आज हमारे मोहल्ले में धनी मंडल की तरफ से बाबा का भंडारा आयोजन किया गया है, जो कि हर साल मनाया जाता है। तो मेरी ये विनती है आप सबसे कि आप चैनल को देखिए और हमारे विशाल भंडारे को देखिए कि किस तरह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और आप भी इस भंडारे को देख के इस भंडारे में शामिल हो और हमें सेवा का मौका दीजिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारे एल ए मोहल्ला की बच्चियां जो सेवा में लगी हुई थी। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। आज ये विशाल भंडारा रामापीर का डिगरोड में आयोजित किया गया है, और डिगरोड के ऊपर आज ये अली राम अली महाराज हमारे साथ मौजूद है। इलाके के डिगरोड में अगर हम आए हैं तो अली महाराज से मिलना और इनके विचार सुनना हमारे लिए लाजमी है। तो आज के भंडारे के विशाल भंडारे के बारे में थोड़ा सा बताए। अलग धनी रामा पीर की जय। बाप जी सतगुरु महाराज श्री नवल साहब की जय। ये भंडारा अहले मोहल्ला और धनी मंडल की काविशों का नतीजा है, और इनकी बड़ी अंतक मेहनत है। और धनी मंडल तो हर साल शान शौकत से बाप जी के इस भंडारे को करती है, और आज के इस भंडारे में सती भवानी वेलफेयर की एसोसिएशन की बड़ी सती भवानी वेलफेयर एसोसिएशन की बहुत सेवा है। कहते हैं कि हरी सेवा जन बंदगी प्रभु सिमरन वैराग, ये चारों तभी मिले जब पूर्ण हो भाग। तो इसमें सती भवानी सेवा मंडल की चाय की सेवा है और बाकी लोगों की बात अंतर मेहनत है, और ये कामयाब भंडारा हर साल की तरह इस साल भी सती भवानी और धनी मंडल के साबुन से हुआ है, अहले मोहल्ला की काबिशी से हुआ है, और सतगुरु बाप जी महाराज से नवल साहब की जय धनी मंडल से। और मेरी तमाम देखने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि वो लता रवि यूट्यूब चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप सबकी सेवा में अली महाराज को है जय श्री राम, जय गुरु राम। हमारे साथ शाह भाई भी मौजूद है इलाके के, तो इनसे ही पूछेंगे आज के विशाल भंडारे के बारे में। आप थोड़ा सा हमें बताएं। बोलिए अलग धनु बाबा राम चापीर की जय। श्री राम देवम महादेवम कर सकल सिद्धतम सर्व हेरो घरो देवम भगत पालन तत्वम भादरवा का सुंदर पक्ष में सभी भक्तजन अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार बाबा का गुणगान जागर सत्संग करते हैं। डिगरोड धनी मंडल और डिगरोड वासियों की ओर से भी बाबा रामदेव जी महाराज का विशाल सत्संग जागरण भंडारा चल रहा है, जहाँ बाबा का भरपूर आशीर्वाद सब भक्तों के लिए और जितने भी आए संत महात्मा जन है उन सब के लिए प्रसन्नता के लिए बाबा रामदेव महाराज साक्षात विराजमान यहाँ महसूस होते हैं। तो बाबा का आशीर्वाद सब पर रहे। बाबा रामदेव जी महाराज ऐसे ही हर साल आकर के अपने भक्तों को ऐसे आशीर्वाद देते रहे और सबको खुशहाल करते रहे। बोले अलग धनी बाबा राम शापीर की जय। जय श्री राम, जय रामदेव पीर की। डिगरोड पीएफ ने श्री रामदेव नवर रामापीर बाबा का भंडारा ये धनी मंडल की तरफ से हर साल भंडारा किया जाता है और बड़े धूमधाम से किया जाता है। कराची के सारे लोग यहाँ पे आते हैं, बाबा का भंडारे की बड़ा एंजॉय करते हैं, और हर साल जो हर साल की तरह इस साल भी भंडारा उन्होंने बनाया गया है। धनी मंडल को मुबारक हो। बोल रामापीर की जय। धनी मंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री रामदेव नवर मंडल की तरफ से डिगरोड पीएफ ने आलीशान भंडारा किया और बाबा का मेला लगाया। अहले मोहल्ला और श्री रामदेव नवर मंडल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। पीछे हमारे रामापीर का विशाल भंडारा चल रहा है, और आज ये डिगरोड पे पूरी रात की संगत है, आरती भी होगी। तो अब आज तक के लिए ट्रेन चले। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप लोग का। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय रामापीर।